पढ़ाई पे लगानी माने अपन व्यक्तिगत फायदा हो के। तो शिक्षक लोग केनो बढ़िया पढ़ावे खोजे, लेकिन जब विद्यार्थी लोग वहाँ हिसाब से तैयार नहीं रही हैं, ज्ञान लेवे तैयार नहीं रही हैं, तब नहीं हुए। अभिभावक लोग जाए कि अपन विद्यालय में लेकिन के पढ़ाई कैसन होते हैं, लेकिन के का उपलब्धि बा, का प्रगति बा, ओकरे बारे में समय समय पे बुझे पड़ल। केना विद्यार्थी बाटे वो सबके कापी कलम नहीं पुगला। नमस्कार, हम दिनेश कुमार गुप्ता अर्थात ग्रेटफुल दिनेश, आप सबके स्वागत है आज के हमन के इस सचेतना मूलक कार्यक्रम में। वैसे हमन के अगर जो ई वीडियो हमारे अपने स्थानीय भाषा में ही शूट करी थे, ताकि हमन के जो अभिभावक लोग हैं सबके अंदर चेतना के विकास हो। हमन के यहाँ के शिक्षा बहुत ही न्यून बा, तो हमारे गुणस्तरीय कैसे बनाई सकल जाला, आधुनिक शिक्षा कैसे बनाई सकल जाला, वही मध्य नज़र करके हमने स्थानीय भाषा में अपने शूट करी थे। जौन कि हमन के जितना अभिभावक लोग हैं सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप सबका हम एक जानकारी करावे चाहते हैं आज के ई हमन के जौन एक सचेतना मूलक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में हम स्वागत करे चाहते हैं एक कई पूरा जगह हमारे अपने भाषा में वकील कैला और बहुत ही टैलेंटेड और हमन के यहीं के लुम्बिनी ही क्षेत्र का वकील जी हुए। हम स्वागत करे चाहते हैं सोनू बनिया सर का। सर स्वागत है आपका हमन के। धन्यवाद दिनेश सर। सबसे पहले सर हम आपके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे चाहते हैं कि लुम्बिनी हमन के एरिया का जो शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा न्यून यहाँ का गुणस्तर है। तो आप यहाँ से एक ठो जो आज वकील पद पर पहुँचल गई, आपके लिए कहे पड़ा कि आप बहुत ही ज़्यादा संघर्ष मेहनत करके फोकस करके पहुँचल गई हुई। और आपसे हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि हमन के यहाँ के जो शिक्षा है एक हमने कैसे मजबूत बना सकल जाता है और यहाँ केकर केकर साथ सपोर्ट चिंतन चाहिए आपके हिसाब से। हमन के यहाँ के शिक्षा क्षेत्र जौन बा उके कमजोर बनौले में जौन गुणस्तरीय होवे के चाही, जौन गुणस्तरीय नाही बा एहमे हमन के सबके भूमिका बा। सही बात, जे जे हार बा सबके भूमिका बा। काहे से अब टीचर लोग पढ़ावे के अगर प्रयास करिहें तो उ सबके स्थानीय नेता लोग से, ओकरे बाद विद्यालय व्यवस्थापन समिति से उ चीज नहीं पहुँच पावत, और उ सबके काहे नहीं पहुँच पावत, हमें अभिभावक लोग के भी वैसे सहभागिता बा। अभिभावक लोग भी कभी भी वहाँ हिसाब से जौन हिसाब से नेता लोग के या शिक्षक लोग के जाए के सक्रिय हो के वहाँ विद्यालय में और जगह पे सक्रिय होकर बात करे के चाहें, अपने लड़का लड़की के बारे में जितना सोचे के चाहें ओकरे बारे में न सोचले के वजह से हमन के ई अवस्था आयल बा। नागरिक समाज के भी वैसे भूमिका बा, नागरिक समाज भी वहाँ हिसाब से जौन हिसाब से काम करे के चाहें वहाँ हिसाब से नहीं काम करते, वही नाते ई अवस्था आयल बा। सर सबसे पहले आप एक चीज़ बतावल जाए, हमन के जितना ही लुम्बिनी एरिया में प्लस पूरा अधि राज्य में सरकारी स्कूल है, अगर ओकर गुणस्तर देखा जाए तो बहुत ही न्यून, बहुत ही कम। और सरकार का ऐसा ना है कि लगानी नहीं है, शायद आप भी बोरम बैठ कर पढ़ल गई हुई, आपके याद भी हुई बढ़िया सिखाए ना थे, हमू पढ़ लिया हमू याद बा। लेकिन आज घड़ी देखल जा बेंच डेस्क एसी तहत क्लासरूम में बा, यानी भौतिक चीज़ बहुत ही ज़्यादा परिपक्व एकदम मैच्योर जौन कहा ना वो चीज़ हो गई है, लेकिन जो शिक्षा के गुणस्तर वहाँ सुधार नहीं हो पावत है। एम हाँ हमन के जौन अभिभावक लोग हैं, मास्टर लोग हैं, सर लोग हैं, व्यवस्थापन जौन समिति है और यहाँ का जौन नेतागढ़ आदरणीय महानुभाव हुए, आपके कहा लगत है इन पाँच के कितना फोकस है शिक्षा प्रति और एक हमारे कैसे सुधार कर सकते हैं शिक्षा प्रति। ये सबके जौन यहाँ के लोग बात हैं सबके फोकस माने, जैसे अब शिक्षक लोग केनो बढ़िया पढ़ावे खोजे, लेकिन जब विद्यार्थी लोग वहाँ हिसाब से तैयार नहीं रही हैं, ज्ञान लेवे तैयार नहीं रही हैं, तब नहीं हुए। प्लस मान लो विद्यार्थी लोग पढ़े चाहत आटे, शिक्षक लोग नहीं रही हैं वहाँ हिसाब से, शिक्षक लोग के मटेरियल नहीं पुगत तब नहीं हो पाए। विद्यार्थी लोग मान लो पढ़े खोजत आटे तो वहाँ हिसाब से जो शैक्षिक सामग्री होला अभिभावक लोग नहीं पहुँचा पाई हैं तब नहीं हो पाए। वही नाते हमें हमन के सबके बराबर भूमिका होवे पड़ल। विद्यार्थी अगर पढ़े खोजत आटे तो वो माहौल क्रिएट करे के यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग बाटे उन सबके भी वैसे भूमिका होवे पड़ल। वैसे अभिभावक लोग
जाए कि अपन विद्यालय में लेकिन के पढ़ाई कैसन होते लेकिन के का उपलब्धि बा का प्रगति बा ओकरे बारे में समय समय पे बुझे पड़ल। काहे से हम बहुत देखिला अभिभावक लोग जब बोर्डिंग में पढ़ावेल तो एकदम मनो लड़का के का घटल का बढ़ल कुल पे एकदम ध्यान दिलें। शिक्षक लोग से भी जाए के पूछे के प्रयास करें मनो का होता है काहे ना बढ़िया से कुल चीज़ बुझल और कुल कह के ध्यान दिलें। लेकिन सरकारी में जब पढ़ावेल तो कितना विद्यार्थी बाटे वो सबके कापी कलम नहीं पुगल जबकि फीस भी नहीं देवे बा फीस नहीं देवे बा तो टाइम टाइम पे वहाँ जाए कि विद्यालय में मनो पढ़ाई कैसा होता है शिक्षक लोग से कभी का इंटरेक्शन करे चाहे तो अनुगमन नहीं हो विद्यार्थी लोग में खाली भले से ना आए अभिभावक लोग वहाँ हिसाब से एक्टिव होवे पड़ल वहाँ हिसाब से जब विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन करे बा तो वहाँ समय पर भी ध्यान देवे पड़ल। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के चयन करत के अब के खर्च कर देते है के चाह पिया देते है उन्हें ध्यान दे के शिक्षा पे जोड़ देते है के मनो चयन भैल जीतल तो विद्यालय के लिए काम करी वहाँ पे ध्यान दे के जितावल जाए वैसे नेता लोग के भी वहीं पे ध्यान दिया जाए। हम बहुत देखी ला जब चुनाव के समय आवाला तो शिक्षा से ज़्यादा मन के नोट देते है गोश भात खियावा तब वहाँ पे ध्यान दिया जा रहा तब उन्हें देखे अगर व्यक्ति के अमन के शिक्षा पे ध्यान देते अमन के आए वाला पुस्तन के अमन के अभिहीन के पुस्तन के अमन के लड़कन लड़किन के जे ध्यान देते ओके अगर चयन कर जाए तो आए वाला समय अमन के एकदम अच्छा रहे एकदम भविष्य बढ़िया बा कह के हम कह सकीला। हाँ सर एक आपके हम कहावत सुनावा चाहे थे कि अब पछताए होत कर जब चिड़िया चुग गई खेत में यानी हमन के जो अभिभावक लोग हैं बाद में बहुत सारे अभिभावक ऐसे लोग का भी हम देखें जौन कि पहले तो ध्यान ना दिन अब जाए बहुत ज़्यादा पछतावा उन पाँच के होते हैं कि खास अपने बेटे को पढ़ाए हुए थोड़ा पैसा वो करे पढ़ाई में लगाने लगाए हुए तो आप उन पाँच के कहा कहा जाता है कि और जो अभिभावक तत्काल के हैं अपने बेटा बेटियन के उन पाँच के लगाने लगावत चाहें कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे चाहे कि नहीं आए वाला हमन के पढ़ाई से कितना हमारे उपलब्धि हासिल कर सका जाता है। अब हमन के यहाँ के जो स्थानीय अभिभावक लोग हैं उन पाँच के कहा कहा जाता है। अब हम आज के ही अभिभावक लोग के एकदम अपने तरफ से अनुरोध करत बाटें देखल जाए आज के समय में पढ़ाई के एकदम महत्व बा हर एक जगह पे कौनो काम करे बा सूचना प्रविधि के एकदम जरूरी पड़ल जैसा आप मानल जाता लड़का के मान लेता ज़्यादा पढ़ावे के क्षमता ना बा 12 पढ़ाई के 10 पढ़ाई के विदेश से पढ़ावे के चाहल जाता तो आज के समय में कौनो काम करे बा तो बिना पढ़ाई के होए वाला संभव ना बा वही नाते कौनो भी काम करे बा तो पढ़ाई पे सबसे पहले जरूरी एकदम फोकस करे पड़ल। अब इन समय बा आज के समय में मान लेता पढ़ के बिहान के समय में कौनो काम करी हैं तो सफलता ही हासिल हुई आज ना पढ़ पाई हैं तो आए वाला हमन के आपके तो जवन भविष्य आप लोग के आपके लेखन के बिगड़बे करी ओकरे साथ साथ है हमन के समाज के लिए भी एकदम नकारात्मक असर पड़े वाला बा वही नाते जैसे पढ़ाई पे फोकस माने पढ़ाई पे लगानी माने हमन के अपन पहले नंबर व्यक्तिगत फायदा हो क्या व्यक्तिगत माने कौन हिसाब से जैसे आप अगर लेखन पे लगाने के लिए तो आए वाले समय पे कौनो काम करी हैं बढ़िया से करी हैं कौन चीज़ में सफलता हासिल करी हैं तो आपे के सबसे पहले आपे के वो फायदा करी वही नाते शक भर जहाँ तक हो पावे पढ़ाई पे एकदम ध्यान दिया जाए कौनो काम करे बा कौनो काम अच्छा से करे बा तो पढ़ाई के एकदम महत्व बा पढ़ाई बिना संभव ना बा खेती पाती हमन के मान लेता ज़्यादातर यार खेती पाती होला तो खेती पाती अगर बढ़िया से करे बा खेती पाती पे ध्यान देवे बा तो ओहू में भी पढ़ाई लिखाई ना रही तो कौन बीया लावल जाए कौन खाद लावल जाए ओके कैसे कैल जाए कौने समय कैल जाए ओकरे बारे में बढ़िया से पता ना चले वैसे मान लेता हमन के ज़्यादातर यार का करें विदेश भी जा जैसे आर्थिक अवस्था जेकर ना सही बा वो 10-12 पढ़ाई के विदेश पठावा था तो विदेशे जाता टें तो मान लेता टें सूचना पर विधि के तो यूज करे परी मान लेता टें फेसबुक है मैसेंजर हैं तो इनके यूज कराता टें तो ओके बढ़िया से कैसे करे बा ओके कैसे
लॉगिन करे के बाद क्रिएट करे के बात करे के बाद वह बुझे खाती पढ़े पड़े और बाद वहाँ विदेश जाते हटे तो हमें काम का करे के बाद कैसा करे के बाद जब पढ़ल लिखल रही है तो बुझले में कहूँ जाए के बाद मान लेता वहाँ देश में कहूँ यार वार जाए के बाद तो सब पढ़ल रही है पूछे नहीं रहे तो उससे हमन के जौन आए वाला पुस्तक के लिए बा अपन आत्मनिर्भर हो जाइए वही नाते पढ़ाई पे एकदम ध्यान दिया जाए। अब पढ़ाई के मान लेता आए वाले दिन में कौनों पेशा में आबद्ध करे चाह जाता है पेशा में आगे बढ़ाए चाह जाता है तो अगर खत्ती भी लगानी करे से न डराइल जाए। अगर आपके लड़का वहाँ लायक बाटें पढ़ावे लायक बाटें पढ़े के अगर उत्सुक बाटें तो लगानी कैले से पीछे न हटल जाए। हमन के यार के अगर देखल जाए तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी बा बहुत ऐसा अवसर बा जौन फिलहाल देखल जाए मधेसी कोटा आवा तो मधेसी कोटा में कितना लोग पुगले के वजह से खाली चल जाते हैं तो वहीं नाते अगर समय पे पढ़ावल जाए लिखावल जाए या खुले में अब आज के समय में देखल जाए हमने इनके हार के खुला में नाम निकाला ताटे खुला में आगे करता था बिजनेस व्यापार में नेपाल भर के बिजनेस व्यापार में और लुम्बिनी के पहुँचवा हमारा उनके यहीं के रवैया होखी यहीं के पढ़ल होखी यहीं बलरामपुर के पढ़ल होखी यहीं से पढ़ के वकील बन गए। अब आए वाले दिन में भी अच्छा कर जाता है और लोग भी बाटे यार से अच्छा करता है तो लगानी कैले से न डराइल जाए। अगर आपके लड़का वहाँ लायक बाटे तो लगानी कैले से न डराइल जाए यह हमारा आप लोग से अनुरोध बा। और सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते थे हमन के जौन यहाँ के मेयर उपमेयर वार्ड अध्यक्ष जितना भी राजनीतिक गढ़ बाटे शायद नेपाली में उन पाँच के कम समझ में के जन आवत हो कि का अपने भाषा में आप उन पाँच के का कहा चाल जाता आपका का विचार है कि हमारे शिक्षक जौन है इस शिक्षक हमारे मजबूत कैसे बना सके थे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है उन सबके प्रति। और उन सबके प्रति हमार का आवाज जैसे फिलहाल में शिक्षा में लगाने भी बढ़िया आवत है तो लगाने जब बढ़िया आवत है तो वो के अगर बढ़िया से मन के सदुपयोग कर जाए वो सब बढ़िया से बढ़िया जगह ही पे अगर ओकर सदुपयोग करत आटे तो उसे मन के आए वाला पुस्तन के लिए बढ़िया रहे। वो एक नाते सक भर जौन शिक्षा में आप लोग बजट छुटियावल जाता है वो के बढ़िया से लगानी कर जाए बढ़िया से जौन विद्यार्थी लोग आए वाले दिन में अच्छा कर सकल हैं आप वर्तमान में अच्छा करत आटे हैं वो सबके अगर स्कॉलरशिप के जरूरी पड़त है वो सबके आर्थिक सहयोग पड़त है तो ऊँ में भी बजट छुटियावल जाए ऊँ में भी आप लोग अच्छा कर जाए। हम देखा था कि बजट फिलहाल में अच्छा अच्छा आवत है हरेक क्षेत्र में बढ़िया शिक्षा में हमन के लगानी बढ़िया देखा जाते है लेकिन उकर उपलब्धि नहीं बा उपलब्धि नहीं बा विद्यालय लोग विद्यालय में भौतिक संरचना देखल जाए तो भौतिक संरचना होत है लेकिन वह गुणस्तरीय शिक्षा के ऊपर जोर नहीं बा हमन के लगानी कर जाते खाली देखा नाते मनो लगानी होते तो ओके गुणस्तरीय कैसे हो वहाँ पर ध्यान दे के हमन के इन्ने समय तो स्थानीयता के एकदम बढ़िया से जब से संघीयता आएल एकदम अधिकार है अधिकार बा बहुत कानूनी मान लेता शिक्षा क्षेत्र में बा तो शिक्षा क्षेत्र में कानून बनावे के बजट छुट्टी आवे के हर चीज़ के अधिकार लाइसेंस देवे के स्थानीयता के मिलल बा नहीं तो वो सब लोग अगर बढ़िया से मूल्यांकन करत आटे बढ़िया से अनुगमन करत आटे तो हमन के शिक्षा क्षेत्र अच्छा हो सकल लेकिन उस लोग भी जिस मनो एक्टिव होवे के चाहे और हिसाब से एक्टिव नहीं बाटे वही नाते और पे ध्यान दिया जाए कह के आप लोग से हमार अनुरोध बा। सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद जौन कि आप हमन के स्थानीय भाषा में बहुत सारा चीज़ बतावल गए हमन के अभिभावक लोग के सर लोग के प्लस यहाँ के स्थानीय के प्लस राजनीतिक गढ़ के आए वाला दिन में आप गए फिर हम ऐसा कार्यक्रम से जोड़ सर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।